गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आप प्रेडिकेट पार्ट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट पार्ट डन हो चुका है और आज प्रेडिकेट भी डन हो जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा। तो 21 कुल टोटल दोनों मिला करके कितने क्लास हुए? 21 क्लास है। प्रेडिकेट में कितने क्लास हुए? 8। प्रेडिकेट पार्ट का 8वां क्लास है, ठीक है। तो 21 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया, बताइए? अरे 13 बचेगा ना, यानी सब्जेक्ट पार्ट में कितने हैं? 30 बचेगा। तो 30 क्लास हुए हैं किसमें जी? सब्जेक्ट में। और इसमें कुल कितना होने जा रहा है? 8। अब इसके बाद शुरू होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, चलिए आज की क्लास की बात कर रहा हूं। तो आज के क्लास में हाँ एक चीज अभी यहां लिखना छूटा हुआ है, यही चीज लिखना है। क्या लिख रहे हैं भैया? चूंकि यहां तो स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब यहां से यहां पर क्या लिखना है, रूल क्या है? प्रेडिकेट पार्ट का ये रूल है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट रूल 7, क्या? लिंकिंग व टू हैव, क्या है? लिंकिंग व टू हैव, चाहे ब्रैकेट में लिखे या सिंगल इनवर्टेड कामा में लिखे, टू हैव एंड ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट, क्या भैया? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट तो कुछ नहीं, ये है इस रूल के अंतर्गत आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिंकिंग और टू हैव का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब लिंकिंग वर्ब टू हैव क्या होता है, तो ऑलरेडी मैं वर्ब के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब टू हैव, देखिए टू हैव कितने अर्थ देता है उसको देखिए। ये हिंट मैं आपको दे रहा हूं, टू है ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, टू हैव लिखिए या हैव लिखिए, बहुत लोग हैव लिखते हैं। जैसे पूछा जाए कि पढ़ना क्या है, क्या है, तो बच्चा क्या बताएगा? रीड बताएगा, टू रीड नहीं बताएगा। लेकिन सही तरीका है कि टू रीड बताना चाहिए, उसके पीछे रीजन होता है, हैं? रीजन ये है कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सामान्यता नहीं होता है, इसका होता है, यही कारण है कि इन्फिनिटिव फॉर्म में ही बताना चाहिए, ठीक ना, मेन वर्ब वाला नहीं बताना चाहिए। अब चलिए देखिए यहाँ पर अगर टू है का प्रयोग हम करते किसी सेंटेंस में तो क्या क्या मीनिंग दे सकता है? टू हैव का मतलब रखना, क्या? रखना। अगर इसका मीनिंग रखना निकलेगा तो ये ट्रस्टी वर्ड होगा, क्या होगा? ट्रस्टी वर्ड, तो आप निकलेगा, ओके। दूसरा अर्थ इसका होता है लेना, क्या होता है? लेना, तो भी ये ट्रांसटिव वर्ब होगा। और तीसरा अर्थ इसका होता है के पास होना, के पास होना या रहना, ध्यान दीजिए। तब ये क्या होता है? तब किसका काम करता है? के पास होना, अधिक रहना, तब ये काम करता है किसका जी?
लिंकिंग वर्ब का, किसका काम करता है? लिंकिंग वर्ब का। अब सवाल ये उठता है किसी सेंटेंस में हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे कि यह लिंकिंग वर्ब है कि क्या है, और ट्रांसटिव है तो उसके बाद प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो इसके साथ क्या आएगा भैया? अगर सेंटेंस बनता है तो इसके साथ लगेगा ऑब्जेक्ट, बोलिए लगेगा, और यहां भी लगेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन लिंकिंग वर्ब के रूप में अगर यह कार्य करेगी तो क्या लगेगा? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। क्या लगेगा? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। अब चलिए, ओके, अब इन्हीं सब बातों को समझना है तो चलिए यहां पर देखिए रखना के सेंस में क्या एग्जांपल होगा और लेना के सेंस में क्या एग्जांपल होगा, ठीक। और यहां पर इनको मैं सेंटेंस देकर के समझा देता हूं, पहले इसको समझ लीजिए, बाकी तो यहां हम धड़ाधड़ दे देंगे, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश टू हिंदी अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो होगी प्रॉब्लम, ठीक ना। अगर हम लिखते हैं कि ही हैज अ कार, तो हैज को हम क्या माने, हैज को क्या माने भैया? चलिए ये तो भाई बहुत बड़ा संकट आ गया कि हम हैज को क्या माने। अगर आप हैज को ट्रांसटिव वर्ब मानते हो, क्या मानते हो? ट्रांसटिव वर्ब, तो यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और अर्थ क्या हो गया? वह कार रखता है। इसका मतलब कि भाई कार रखने का शौकीन है, कार चलाने का शौकीन है, जानबूझ करके कार उसने खरीदा है पैसा लगाकर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब चलिए सेम सेंटेंस को हम पुनः रीराइट करते हैं। फिर यहां पर कार लगा दी, ये क्या हो गया? टू हैव ऑब्लिक हैव का ये फर्स्ट फॉर्म है, ही के साथ लग रहा है। अब इस बार हम क्या करते हैं, इसका लिंकिंग वर्ब मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब अगर मान लेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। स्टार्ट में मैं लिख दे रहा हूं ओ आर डी, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। अब अर्थ क्या हो गया? उसके पास कार है, ये हो गया। अभी हम यहां नहीं सेट कर रहे हैं इसके, इसे एक्सप्लेन करने के लिए इसके हिसाब से चल रहे हैं। चलिए उसके पास कार है तो रखता है, इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि कार है, दोनों सही है। यहां पर लिंकिंग वर्ब क्या है? टू शो बिलोंगिंग वर्ब, संबंध को स्थापित करने वाली क्रिया है, यानी कार का और इसके बीच कनेक्शन। उसके पास कार है, हो सकता है स्वयं खरीदा, हो सकता है कि उसके पिताजी भी खरीद कर दे दिए हो, यानी उसके परिवार में कार है,
ओके अब चलिए, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ध्यान दीजिएगा, और ट्रांसटिव वर्ब है तो अंतर क्या है। ट्रांसटिव वर्ब है तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए ताए, और अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब टेंस भी आने वाला है, ठीक है ना? काइंड साहब सेंटेंस के बाद मुझे क्या पढ़ाना है? टेंस से ही पढ़ाना, ये प्रेजेंट टेंस। अब चलिए इन दोनों वाक्यों को मैं बिठाता हूं, तभी तो आगे लिख पाऊंगा भैया, क्योंकि इसका रहना जरूरी है, नहीं रखेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अब अगला जो सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं उसको समझिएगा। चलिए ठीक है, बेटा अगर मैं यहां लिखता हूं कि he has awesome cholesterol, तो अब अगर इसे आप ट्रांसटिव मानते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? वह पुत्र रखता है। अब पुत्र रखता है, टेंस तो ऊपर की बात ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए पुत्र कोई रखने की चीज है? हाँ बताइए, पुत्र कोई रखने की चीज है? या मैं तो मैं मिटा दिया थोड़ा सा, आप सोच रहे हो कि ऐसा गुरु जी ही क्या करते हैं, हाँ ज्यादा लटकाते हैं। अब मैं बता दे रहा हूं त के बारे में। देखो ये है तो में आप रो लगाते हो, ये है राम, क्यों? अरे तो में रो लगाओगे तो वो पढ़ते हो ना छत्री वाला, तो क्या होगा? कौ से ज्ञान तक जो 36 अक्षर है, ये वाला क्या होगा यार? ये वाला क्या होगा? ये ऐसे है, इसका उपयोग कम करोगे, इसीलिए मैंने मिटा दिया। तो मैं रॉ लगा करके तो कभी नहीं लिखना है आपको, हमेशा ऐसे लिखना है। अब वो जल्दीबाजी में हो जाता है और लोग सुविधा समझते हैं कि तो मैं रॉ लगा दे, नहीं नेवर, क्योंकि अगर आप यहां पर यह लिख रहे हो, देखो लिख कर दिखा रहा हूं ये पत्र, ये गलत है, तो मैं रो लगाए, तो मैं रो नहीं लगाना है, बल्कि अक्षर त्र का प्रयोग करना है, ये कम ही लोग जानते हैं। तो मैं जल्दीबाजी में मैं भी खींच दिया था, ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। समझ गए होंगे आप, तो रोचक जानकारी तो मिलती रहती है, मिलेगी, ठीक है ना? तो इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसको हमने बोला कि ट्रांसटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ट्रांसलेशन हो गया वह पुत्र रखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बताइए कार तो रखने की चीज है, पुत्र रखने की चीज है, सेंटेंस क्या हुआ? रॉन्ग।
सेंटेंस लॉन्ग है क्योंकि इसका ट्रांसलेशन ये नहीं होगा, यह हिंदी कभी नहीं बन सकती। कार वाले ने तो दोनों सही कर दिया। अब यहां देखिए, अगर इसे हम लिंगी वर्ब मानते हैं तो ये हो गया ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। क्या हो गया? चलिए इस तरह लिख देता हूं। तो सन क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। ओके, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं मुन्ना, ठीक ना? आराम से पढ़ो। तब अर्थ क्या हो गया? ये लिंकिंग वर्ब का है, जब टू है लिंकिंग वर्ब का काम करती है तो के पास होना है क्या अथवा के पास रहना, दो अर्थ निकलता है। देखो तो क्या हो गया, एक चीज और बता दे रहा हूं। यहां पर सब्जेक्ट हुआ है तो यहां आप कर दीजिए वह के पास, वह के पास पुत्र है, वह के पास पुत्र है। ये होता है भाषा विज्ञान है। तो वह के, वह धन के इस पर टू क्या आ जाता है? उसके। ये भी एक नॉलेज ले लीजिए भैया, ये भाषा विज्ञान है। वह धन के इस पर टू क्या हो गया? उसके हो गए। अब मैं धन के इक्वल टू जानते क्या होगा? मेरे हो जाएगा, ठीक है ना? तुम धन के इक्वल टू तुम्हारे हो जाएगा। ये भाषा विज्ञान है। तो जितनी मुझे इंग्लिश आती है उतनी ही हिंदी भी आती है, तो थोड़ा हिंदी भी मैं सिखाता रहूंगा। तो वह के पास पुत्र है, मेरे यार सही है, वह के पास पुत्र है। इसका क्या मतलब? टू शो बिलोंगिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। वह का संबंध पुत्र से, वह का संबंध पुत्र से, यानी वह पुत्र विहीन नहीं है, उसके पास पुत्र है, पुत्र का संबंध रखता है। शादी करेगा भैया तभी वाइफ से संबंध होगा, ध्यान देना। तो क्या लिखोगे? वह पत्नी रखता है, नहीं जी, क्या करोगे? उसके पास पत्नी है जो बनाती है, खिलाती है, नाश्ता कराती है, अकेला नहीं है, ठीक ना जी? हाँ, एक सेंटेंस बनेगा कि वो अपने साथ पत्नी रखता है, अकेले नहीं रहता है। आप बताओ, हिंदी तो बोल दिए कि वो अपने साथ पत्नी रखता है, अकेले नहीं रहता है, तो वहां भी हैव का ही प्रयोग करोगे, परंतु भाव वही है, के पास होना यानी पत्नी के साथ रहना, पत्नी के साथ रहना, पत्नी का उसके पास रहना, रखना नहीं भाव, भले आप हिंदी में बोल देते हो। तो इस तरह के वाक्य यहां आएंगे। तो चलिए, ये क्या है भैया? प्रेजेंट टेंस। अब इनमें थोड़ा सा अंतर समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम ये लेने वाला, चलिए लेने वाला हम अर्थ बाद में बताएंगे, लेने वाला एग्जाम्पल बाद में देंगे, समझे भैया? तो अब आप इसका अंतर देखिए। मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये लेने वाला पर मैं एग्जांपल दे दूंगा, बिठा देता हूं क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक ना? कैसे आप समझोगे कि यह ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है, कि लिंकिंग वर्ब है? आप देखो, ऊपर वाला जो सेंटेंस था, ध्यान देना, ही हैज अ कार, ओके। अगर यहां पर हम
सब्जेक्ट, क्योंकि सेम सेंटेंस का नेगेटिव नहीं बनाया जाता। मोहन है लगता, मोहन के पास कार है। अब निगेटिव अगर हम बनाना चाहते हैं तो तुरंत मोहन के साथ तो बनाएंगे नहीं। एक बार कहो कि मोहन के पास कार है, तुरंत कहो कि मोहन के पास कार नहीं है। जनरली टीचर ऐसे ही पढ़ा देता है, मोहन के पास कार है, और तुरंत पढ़ा देगा कि मोहन के पास कार नहीं है। बिल्कुल रॉन्ग है भैया, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकता है। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का आप नेगेटिव नहीं बढ़ा सकते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस आने वाला है, ठीक ना। बहुत बेहतरीन चैप्टर है और पढ़ाऊंगा। देखिए मैं तो भाई मजा लेकर पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये मेरी हॉबी है, ठीक ना। टीचिंग क्या है भाई, टीचिंग इज माई हॉबी, ठीक ना। तो मैं मजा लेकर पढ़ाऊंगा, आपको पसंद आए न आए आप पढ़ो या बाहर न जाओ। मैं सीधा बोलता हूँ, भोजपुरिया हूँ भैया, पूर्वांचल के, यूपी पूर्वांचल, ठीक ना। डिस्ट्रिक्ट बता दूँ, मऊ, सुन लो आज तक नहीं जानते हो, डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी। तो सीधा हम लोग तो ऐसे मिट्टी का दाना पानी खाते हैं ना, कि सीधा स्पष्ट बोलते हैं, ठीक। पढ़ो या बाहर न जाओ, पढ़ाना मेरा काम है, इसका जो लाभ उठाना होगा उठा लेगा, सीधा बोलता हूँ, ठीक ना। और अनावश्यक कमेंटबाजी नहीं। एक आप बुर्ग जो है कमेंट एक गलत कर दिया था, हम चाहते तो जवाब दे देते, ऐसी की तैसी कर देते, लेकिन वो कमीना रहा होगा। तो हम लोग टीचर हैं ना, तो चैनल पर कमीनागिरी नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधा बात कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो तो हम भी करेंगे। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा, ठीक ना। चलिए उसको जाने की जरूरत नहीं। अब देखिए मोहन के पास कार है। अब यहाँ पर इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो अरे मोहन के जगह हम उसके मित्र को ले लेते हैं सोहन। मोहन के साथ नहीं बनाएंगे बिल्कुल नहीं, कि कोयला काला होता निगेटिव बना दो, कोयला काला नहीं होता, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या बनाओ निगेटिव, कोयला सफेद नहीं होता है, सूर्य पूरब में निकलता है, निगेटिव बना दो सूर्य पूरब में नहीं निकलता। ये तो भाई बहुत बड़ी मूर्खता होगी ना। तो अब चलिए मोहन का, मोहन अरे इनके पास कार है, मोहन कार रखता है, फिर लिख दो कि मोहन के पास कार नहीं है, मोहन कार नहीं रखता। इस बार हम सब्जेक्ट बदल देंगे, ठीक। अब सवाल यह है, देखिए सवाल यह है कि अगर यह सेंटेंस, इस सेंटेंस में हैज को अगर आप हैज को ट्रांसीवर मानते हो और इसको ऑब्जेक्ट मानते हो तो अर्थ क्या हुआ, मोहन के पास कार नहीं, ये अर्थ नहीं हुआ, मोहन कार रखता है, शौकीन है, लेकिन उसका मित्र सोहन शौकीन नहीं है। क्या भैया, वो कार नहीं रखता है। तो अगर इसको ये मान रहे हो तो ट्रांसलेशन क्या होगा, अभी भी बताया हूं, मोहन कार नहीं रखता है, अरे सॉरी मोहन कार रखता है, सोहन कार नहीं रखता है। तो ये किसमें होगा, इसका टेंस क्या हुआ, बीटी में ट्रांसलेशन क्या हुआ, मोहन कार रखता, ये ट्रांसलेशन हुआ। अगर आप ट्रांसटी मानते हो रखता है, तो रखता है आपका क्या हुआ, ट्रांसटी। टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। टेंस देखो आ रहा है कि नहीं, टेंस टेंस है, आ गया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं, अगर हम इसे लिंकिंग वर्ब मानते हैं, यानी ये भी मानते हैं,
तो ये हो जाएगा क्या जी, ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट, ओ आर डी ऑर्डिनरी और सी कॉम्प्लीमेंट, सी बार कॉम्प्लीमेंट। तब इसका अर्थ क्या होगा, तब इसका अर्थ हो जाएगा मोहन के पास कार है, क्या निकला के पास होना, क्या निकला भैया के पास होना। तो के पास होना, के पास यहाँ है और यहाँ, दोनों मिलकर क्या बनाया भैया, लिंकिंग वर्ब। टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, क्या हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ाता हूं, अगर इस सेंस में नेगेटिव बनाना है तब क्या होगा, और इस सेंस में तो सब्जेक्ट को हम बदलेंगे ना, मोहन के साथ नहीं बनाएंगे, चलिए हम सोहन के साथ बना देते हैं। तो सोहन के साथ बना रहे भैया, समझ गए होंगे किस सेंस में, पहला वाला क्या ट्रस्टी वर्ब। तो ट्रस्टी वर्ब मान करके अगर हम बनाते हैं, हिंदी में कह रहे हैं कि मोहन कार रखता है, तो हिंदी में क्या कहोगे, सोहन कार नहीं रखता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा। तब क्या करोगे, डज नॉट लगाओगे, डज नॉट, उसके बाद जो क्रिया है वह पूर्वावस्था में आ जाएगी। तो डज नॉट है वह कार हो गया, ये देखो यहां पर क्या हुआ, अरे भाई ये हेल्पिंग वर्ब लग गया, और यहां पर क्या हो गया, ये मेन वर्ब लग गया। अब यह मेन वर्ब क्या है, बीटी है भैया, तो कार क्या हो गया, हाँ ऑब्जेक्ट, ट्रांजिशन क्या हो गया, सोहन कार नहीं रखता है, क्या हो गया जी, सोहन कार नहीं रखता है। सोहन कार नहीं रखता है, ये ट्रांसलेशन आपका हो गया ओके। अब चलिए, अगर इसको हम लिंकिंग पर मान रहे हैं, तो मोहन के पास कार है, मोहन का कार से संबंध है बाप दादा के जमाने से, चाहे जब से हो, तो तब हम मोहन के जगह क्या, सोहन लिख करके बनाएंगे, कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है और ये है लिंकिंग। तब जानते हो क्या होगा, तब यहां हो जाएगा सोहन, ध्यान देना, सोहन हैज नो कार, अंतर देखो, सोहन हैज नो कार। अब यहां जो है हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और उसके बाद नॉट, नेगेटिव वर्ड नॉट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है भैया, मेन वर्ब आ रहा है, फिर आगेट आ गया। यहां देखो नेगेटिव वर्ड नो किसके बाद, सीधा है इसके बाद आया, और अपनी जगह है जाए बस नो बड़ा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिंकिंग वर्ब, और नो क्या है, नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड क्या होता है जानते हो, कोई भी नेगेटिव वर्ड क्या कहलाता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब में कौन सा काइंड होता है, उसे कहते हैं एडवर्ब, क्या जी, एडवर्ब ऑफ निगेशन, क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन। कोई भी निगेटिव वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडवर्ब होता है, नोट कर लेना, आगे एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हर चीज दूंगा बहुत विधि विधान से, इसीलिए कहता हूं सिस्टमेटिक पढ़ो, ठीक ना। अब देखो, तो कार क्या हो गया, कार हो गया आपका ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। अब नो लगा है तो आर्टिकल ओ नहीं लगेगा, लेकिन अगर और लगाना चाहते हो तब क्या हो जाएगा, और करके यहां पर सोहन है नॉट कर दो तो आर्टिकल आ जाएगा,
काइंड सम संदेश में निगेटिव संदेश में इन बातों को मैं समझाऊंगा क्यों होता है कैसे। यहाँ पर नहीं, वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और मैं तो भाई आराम से पढ़ाता हूँ, जान नहीं टीचर की तरह भाव भाव नहीं भाई, मेरे नाम थोड़े किसी का लेना हो, भाव भाव नहीं, कुत्तों की तरह नहीं, सीधा सीधा बात, अध्यापक की तरह, ठीक है ना। बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि तुम इन्हीं को पसंद करते हो। किसको पसंद करते हैं? कुत्तों को पसंद करते हो, टीचर को नहीं पसंद करते। खरी खरी मैं बोलता हूँ। तो क्या हुआ भैया, बोलो। यहाँ पर नॉट हो गया, देखा। तो नॉट नो को नॉट में हम बदले, इसमें थोड़े कौन चेंज हुआ, कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट में चेंज हुआ। क्या आर्टिकल अलग गया, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, आर्टिकल अलग लगा है तो नॉट लगा दो, एनी लगा है तो नॉट लगा दो, अब नो कब लगेगा, आर्टिकल हटा दो, एनी हटा दो, ठीक ना। एनी तो यहाँ आएगा नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होगा ही नहीं, जब भी होगा नेगेटिव होगा। ओके, अब चलो, दोनों का अर्थ सेम होगा। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ये ऊपर वाला होता है, नो वाला, नॉट वाला नहीं होता। दोनों जरूर होते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं उसके पास पत्नी नहीं है, तो लिखोगे कि ही हैज नॉट अ वाइफ, रॉन्ग है वो, कहाँ लिखोगे? अरे नहीं है तो नहीं है यार, उसके पास पत्नी नहीं है तो ही हैज नो वाइफ, लिखो ना, नॉट अ वाइफ। लग रहा है दो चार ठे रखा है गा, बोलो प्रायोरिटी मिली कि नहीं इनों को। मैं प्रमाणित कर देता हूँ, हर चीज को प्रमाणित करता हूँ। अब क्या होगा भैया, अर्थ देखो, बोलो। सोहन के पास क्या कार नहीं है, तो बोलो ये निगेटिव किस टेंस से बना, बोलो। प्रेजेंट इंडिफिनिट में, किसमें बना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, टेंस निकले ना टी, ठीक है, अरे इंडिफिनिट टेंस में। ये किसमें बना भैया, प्रेजेंट टेंस में, क्या है, प्रेजेंट टेंस में, यही बना ना। अब मैं बताता हूं भाई एक कदम आगे बढ़ करके, सुनो। अभी अभी मैंने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो मैंने कहा कि यहां पर दो मीनिंग दे रहा है, तो ये सेंटेंस पर निर्भर करता है हैज के बाद कौन सा शब्द आप यूज करते हो। अगर यहाँ वाइफ रहते तो बताओ इससे टास्टिंग मानते नहीं मानते, ऊपर बताया था रॉन्ग था, टास्टिंग मानोगे तो राम आ जाएगा, वो पति भी लगता है, तब क्या मानते हैं, लिंकिंग वर्ड, तब वहां क्या होता भाई, सोहन है नो वाइफ होता, नॉट अ वाइफ वाला बिल्कुल राम हो जाएगा। ओके, अब चलो, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो यहां तक तुम आ गए ना, समझ लिए ना, ये क्या बना, निगेटिव बना, निगेटिव ना बना, और एक निगेटिव ये बना। अब तुम्हें बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, देखो इन सब संदेश में चलना है, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं, ऊपर का क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। चलिए ठीक है, तो हम सीधा सीधा इंट्रोगेटिव निगेटिव समझाते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं, सीधे सीधे ये नॉट नो वाला समझा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो बोलो क्या हो जाएगा, इसका बनाओगे तो डज बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डज सोहन, ठीक है ना जी,
not have a car, ये बन गया। तो इससे बना लो, जब does बाहर आया तो इसमें क्या लग जाएगा, क्या यहाँ पर क्या लगेगा, क्या लग जाएगा, मैं प्रश्न किया क्या लगेगा तो क्या लगेगा, क्या सोहन के सोहन कार नहीं रखता है, इसका ट्रांजेक्शन होगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, इसी का बनाया। अब चलो इसका बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये पूरी लिंकिंग वर्ब ही बाहर आ जाएगी, हाय सोहन नो कार हो जाएगा, नो कार हो जाएगा। देखा, अब क्या अर्थ होगा, क्या मोहन के पास कार नहीं है। अब चलो इसका तुम बनाते हो तो वही होगा, हैज करी सोहन नॉट अ कार, समझ गए होंगे। तो ये बहुत गजब की क्रिया है, घुमा देगी आप, तो वाइफ के साथ आप बोलो डज नॉट हैव लगाओगे नहीं लगाओगे। अब हम आगे अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि इतना बताना बहुत जरूरी था और डिटेल में जाना चाहते हैं तो कहा लिंकिंग वर्ब टू हैव की वीडियो पढ़िए, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एक वीडियो में और एग्जांपल्स ठीक ना दूसरे वीडियो में, सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, क्या भैया से लेना वाला एग्जाम्पल दे दूंगा। देखो लेना वाला क्या होगा, अगर हम हिंदी में कहते हैं क्या जी, हम 8 बजे ठीक ना, प्रातः नाश्ता करते हैं, ये हुआ ठीक, नाश्ता करते हैं इट मीन्स नाश्ता लेते हैं, नाश्ता करते हैं का क्या मतलब हुआ, नाश्ता लेते हैं, तो समझ में आया। अब इस लेने का दो होगा, एक टू टेक भैया, टेक मीन्स लेना और टू है ठीक, तो आप टू टेक का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे लेने के अर्थ, खाना लेना है, नाश्ता लेना है, चाय लेना है, कॉफी लेना है, तो हर जगह किसका प्रयोग करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, वी हैव हो जाएगा, वी हैव जी। अब आवर ब्रेक फास्ट कर दो, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा दो, आवर ये अपने तरफ से लगाया जाता है, ब्रेकफास्ट किसका, अपना अपने हिस्से का, तो ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब सवाल ये उठता है, बोलो ट्रांसटिव है कि नहीं है लेने के अर्थ में, तो ये है ट्रांसटिव और तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा कंप्लीमेंट, स्ट्रक्चर नंबर 1 में आ गया, इसी चैप्टर में आप पढ़े हैं, तो इस तरह से हो गया। अब मैं अपने मूल टॉपिक पर आता हूं, जो स्ट्रक्चर रहा है ठीक, तो एक्सप्लेन तो मैं कर ही दिया हूं, अब देखिए यहां पर बस खास बात यह समझना है।
कि जो ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर ओनली नाउन का प्रयोग होगा, ओनली नाउन का प्रयोग। खास बात यह नाउन का ही प्रयोग करेंगे, किसी और शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब वह नाउन अकेले भी हो सकता है, ठीक है ना, नाउन फ्रेज के रूप में हो सकता है। किस रूप में जी? बोलिए, नाउन फ्रेज के रूप में हो सकता है। समझ गया ना? बस यही बताना है। तो अब बताइए भाई, हम कहते हैं कि ही और थोड़ा नीचे ले, ही हैज, बोलिए, अगर आप कार लिखते हैं तो भी ये सेंटेंस सही जाएगा, अभी अभी पढ़ाया तो भी सही जाएगा। अब चलिए, सेम सेंटेंस में अगर हम और वाइफ लिखते हैं तो भी सही जाएगा, और सन लिखते हैं तो भी सही जाएगा। यहां तो कुछ भी लिखोगे सब सही जाएगा, लेकिन ट्रांसिटिवर वाले में अगर तुम वाइफ ले जाओगे, क्योंकि यहां तो मैंने कह दी लिमिटेड कर दिया ना कि लिंकिंग वर्ब ही है, पुश और बिलोंगिंग वर्ब ही है, अर्थ क्या निकला निकलेगा के पास होना, तो यहां तो हर वाक्य सही होगा, ठीक। लेकिन ट्रांसिटिवर मानोगे वो पत्नी रखता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट है, ओके। तो उसके पास कार है, अब यहाँ पर संख्या बढ़ाते चले जाओ, क्या दिक्कत है भाई? टू सन्स कर दो, ही है टू सन्स एंड अ डॉटर, क्या दिक्कत है आपको? रहेगा तो ये ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट और नाउन ही रहेगा। उसके पास दो पुत्र और एक पुत्री है, ठीक ना भैया? तो कॉम्प्लीमेंट और बड़ा हो गया, कुछ भी करिए, कोई दो पत्नी रखता है तो टू वाइफ लिख दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो बोलचाल में रखना होता है जरूर, वह दो पत्नी रखता है स्पोकन हिंदी में चलेगा, लेकिन वास्तविकता है कि उसके पास दो पत्नियां हैं, ये इसका भाव होता है। तो आप ट्रांसिटिव वर्ब नहीं मानोगे। अब चलो, कभी भी इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, कभी भी इंट्रोगेटिव, तो डज नॉट डू नॉट का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो इस सेंटेंस को अब मैं दिखा दे रहा हूँ, उसको भी अभी नहीं बताया उधर, अब यहाँ बता दे रहा हूँ, सिंपल बात, क्योंकि इतनी ही बात अगर इस वीडियो में बताता तो 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती ना जी। आप कहते हैं कि यार गुरु जी तो बताए नहीं लिंगी वर्ब होता क्या है। चलो अब भाई वाइफ वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बताओ, ही हैज अ वाइफ, ओके, ले लिया, ठीक ना, नाम लिख देता हूँ क्योंकि आगे निगेटिव भी बनाना है आपको, मोहन लिख देता हूँ, चलिए मोहन, ठीक। अब यहाँ पर लिख दिया सोहन, सोहन हैज नो वाइफ, जब वाइफ नहीं है तो आप नॉट अ वाइफ मत लिखो, नहीं तो जानते गलत होगा, सोहन के पास एक पत्नी नहीं है, ट्रांसलेशन कर दोगे इसका मतलब कोई पत्नी है भाव हो जाएगा। आज सीधा सीधा क्या जी, सोहन के पास पत्नी नहीं है तो नो करो, नो वाला को प्रियोरिटी दो। अब बताओ, यह सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव, क्या हुआ जी? अफर्मेटिव, ठीक सेंटेंस, और ये हुआ निगेटिव सेंटेंस, क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा नहीं कि लिख दोगे कि मोहन इसी का निगेटिव बना दो, बहुत से टीचर तुरंत उसी का निगेटिव बनाकर पढ़ा देते हैं हवा में, हवा में, तो हवा में नहीं चलना भैया, क्या करो, मोहन है जो वाई, मोहन के पास पत्नी, देखा तुरंत बना दोगे कि मोहन के पास पत्नी नहीं है, अरे इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, टीचर बन गए हो, हाँ टीचर बन गए हो,
देख रहा हूँ आजकल के 3 दिन के लंबे भी पढ़ाने लगे हैं, भोजपुरी शब्द आ जाता है यार, माफ करना ठीक ना, क्योंकि मैं फोकसबाज नहीं, बन ढंग के नहीं आता हूँ। तो आज का क्लास किस टॉपिक पर है, अरे बोल सकता हूँ मैं भी, ये नौटंकी नहीं, जो हमारा स्वभाव है नेचुरल, जो हमारा जो नेचर है, भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, मैं उसी लय में पढ़ाता हूँ। बिंदास आपको पसंद आए चाहे बताए, समझा भैया, उसकी परवाह नहीं करता। आप चलिए, अफर्मेटिव से बनेगा निगेटिव, अरे सॉरी इंट्रोगेटिव, क्या बनेगा इंट्रोगेटिव, तो बोलो ये लिंगी पर्व है, क्योंकि रखने की चीज तो है नहीं, अब तो समझ ही गए होंगे। अगर तुम ट्रांसलेशन करते हैं तो मोहन हिंदी हम नहीं दे रहे हैं, आपको करना है, तो मोहन एक पत्नी नहीं रखता है, मोहन पत्नी नहीं रखता, बिल्कुल गलत है, मोहन के पास पत्नी नहीं है, लिंकिंग वर्ड, सोहन के पास ऐसा नहीं है, यहाँ पर पत्नी है, मोहन के पास पत्नी है और सोहन के पास पत्नी नहीं है, ओके हो गया। अब बताओ इसका जब तुम बनाओगे तो इसी को बाहर कर देना और नीचे ले आने दो, किसको बाहर कर देना है, इसको बाहर कर देना है, मोहन और वाई, इसीलिए तो इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। देखो लिंकिंग वर्ब टू बी हो चाहे टू है, ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही बाहर आएगी, बता दे रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगी, वही बाहर आएगी, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी वही बाहर आएगी, चाहे टू बी हो चाहे टू है वो, तो बाहर आ गई, ये देखो लेकिन इसका बनेगा क्या, इसका क्या बना बोलो, निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कौन सा यस नो टाइप काइंड ऑफ सेंटेंस आने वाला है, इंतजार करो। इसका अर्थ है कि मोहन के पास पत्नी है, यहाँ इसका अर्थ होगा क्या, मोहन के पास पत्नी है, तो आप बताओ ये हो जाएगा आपका यस नो टाइप क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आगे काइंड ऑफ सेंटेंस आने वाला है, 10 तक 13। देखिए एक टॉपिक मेरा खत्म होता है तो अगला क्या होता है, 10 तक देने लगता है, ट्रेलर उसका आने लगता है। आप देखो इसमें हैज को कर दो यहाँ पर सर्वप्रथम, तो क्या हो जाएगा है सोहन, क्या जी नो वाइफ, हो गया ना। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन है कि सोहन के पास पत्नी नहीं है, इसका क्या हो जाएगा जी, क्या सोहन के पास पत्नी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक शब्द पड़ जाएगा नेगेटिव, क्या हो गया नीचे वाला एस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसके लिए दे दिया है, ठीक ना है, तो इस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये तरीका है ठीक ना, यही आएगा। और अगर ट्रांसीवर का काम करेगी तो ये बाहर नहीं आ सकती है, ट्रांसीवर का काम करेगी तो ये बाहर नहीं आ सकती है, तब तो भैया बाहर कौन लगेगा, डज या डू लगा होंगे, कुछ समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू टेंस, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो कहाँ पर, वर्ब के चैप्टर में का लेकिन वर्ब टू है। तो आज जो है फिनिश्ड हो गया आपका काम, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कल से शुरू होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ओके, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद आप पढ़ेंगे टेंस। लेकिन एक सजेशन जरूर है कि टेंस पढ़ने के पूर्व आप पूरा नाउन पढ़ जाइए, प्रोनाउन पढ़ जाइए, आर्टिकल्स पढ़ जाइए, ये तो बहुत जरूरी है, क्या नाउन
प्रोनाउन आर्ट के, और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो पढ़ा नहीं जा रहा, तभी टेंस समझ में आपको आएगा। और टेंस जब समझ में आ जाएगा तो समझो कि सब कुछ आ गया, इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। क्या होता है कि डिसऑर्डर में लोग पढ़ाते हैं इसलिए दिक्कत होती है। मैं रोका था जानबूझ करके, दो तीन टॉपिक मैं निकाला छात्रों के रिक्वेस्ट पर बाय नरेशन। तो जो लर्निंग स्टूडेंट है, नौ सीखुआ सीखने वाले हैं, उनको वाई नरेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। वो कहाँ से पढ़े भैया, नंबर वन नाउन, फिर प्रोनाउन पढ़ जाए, आर्टिकल पढ़ जाए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ जाए, सॉरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ जाए, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ जाए, फिर टेंस, तब नंबर आएगा। कैसे, मॉडल का प्रयोग, फिर देयर का प्रयोग, फिर इट का प्रयोग, वॉइस नरेशन, उसके बाद मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे तो आगे चलती रहेगी चर्चा। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भाई, वही टाटा बाय बाय, थैंक यू।